तो दोस्तों आप सबका स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा की तरफ से आने वाली टाटा मैजिक एक्सप्रेस के बारे में। ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें टाटा मैजिक एक्सप्रेस आपको काफ़ी बढ़िया इसमें यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। और इसी के साथ आज हम बात कर रहे हैं इसके सारी पूरी डिटेल के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके फ्रंट साइड के बारे में, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं आपको काफ़ी एक रगेड फील के साथ काफ़ी हार्ड प्लास्टिक इसमें आपको दिया गया है, जहाँ पर कि आपको सेंटर पे टाटा का लोगो, इसी के साथ यहाँ पे एक्सप्रेस की बैजिंग और इसके साथ यहाँ पर आपको मैजिक की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। सेंटर पर आपको काफ़ी बढ़िया सी एक रिफ्लेक्टिंग टेप और काफ़ी चौड़े साइज़ की देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि दिया जाता है। और इसके साथ नीचे की तरफ आपको यहाँ पे फोग लैंप का कटआउट वगैरह भी दिया जाता है, जो कि आप आफ्टर मार्केट यहाँ पे फॉग लैंप वगैरह इंस्टॉल करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े साइज़ के हेडलैम्प्स दिए जाते हैं। और इसी के साथ इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपको काफ़ी बड़े दो वाइपर प्रोवाइड करे गए हैं, और इसी के साथ यहाँ पे आपको CNG वगैरह देखने के लिए मिलने वाली है। और साइड प्रोफाइल की तरफ आए तो इधर आपको काफ़ी बड़े इसमें ORVM भी दिए गए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया आपको एक व्यू प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर कुछ वेंट्स वगैरह दिए गए हैं, और इसके साथ यहाँ पर आपको पिलर पे इंडिकेटर माउंट देखने मिल जाता है, और गेट ओपनिंग का आपको काफ़ी स्मूथ देखने के लिए मिलने वाली है। अंदर की तरफ बात करें तो आपको काफ़ी एक स्पेसियस कैबिन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको फैब्रिक अपहोल्स्टरी के साथ बकेट सीट आपको इसमें प्रोवाइड करे गए हैं, जहाँ पर कि आपको पावर स्टेयरिंग दिया जाता है और इसके साथ डिजिटल डिस्प्ले आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले इसमें जो इसका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है दोस्तों, वो है इसका गेयर नॉब। आप इसका गेयर नॉब चेक कर सकते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा कार वाला आपको इसमें गेयर नॉब दिया गया है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। इसमें आपको 6-speed ट्रांसमिशन दिया जाता है 5 front की तरफ और 1 reverse की तरफ, जहाँ पर कि आपके यहाँ पे इधर भी स्टोरेज देखने मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको लोकेबल स्टेयरिंग, इधर आपका CNG और पेट्रोल के साथ शिफ्ट वाला सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको फ़ोन चार्जिंग के लिए सॉकेट वगैरह दिया गया है, और इधर आपको पूरा सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर कि यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिया गया, और इसके साथ यहाँ पर आपको साइड में काफ़ी बढ़िया सा गेट ओपनर का सिस्टम और ये आपको विंडो कंट्रोलर वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल, जो कि काफ़ी बढ़िया आपको एक ग्रिप प्रोवाइड करता है वो, और इसके साथ ये गेट लॉक और अनलॉक का मैकेनिज्म आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी CNG को रिफ्यूल करवा सकते हैं, इधर से आपकी CNG वगैरह भर जाएगी, और इसके साथ पीछे भी आपको ये देखने मिल जाता है। ये काफ़ी फायदे का सौदा रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे आपको चढ़ने के लिए इधर ये टायर पे आप देख सकते हैं ये प्रोवाइड करा गया, और इसके साथ ये आपका 10-seater रहने वाला है। अंदर की तरफ देखो दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया, और इसके साथ ये आपका बंद हो जाएगा। आप देखो काफ़ी बढ़िया आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ऊपर की तरफ आपको सॉफ्ट टच देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर जगह जगह पर आपको ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, जिससे पकड़ने में भी कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली है। अगर आप ये देख रहे हो तो ये देखो, यहाँ पे आपका पीछे सीट वगैरह भी, और इधर भी काफ़ी बढ़िया आपको इसमें फील प्रोवाइड होने वाली है। और आप इसको मतलब इसमें ना आपको ज़्यादा मॉडिफिकेशन वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है। नीचे आपको फ्लोरिंग वगैरह सब कुछ करी हुई है, पीछे की तरफ उधर आपको CNG वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ से भी आपका एग्जिट है, और इधर से भी आपका एग्जिट है। एग्जिट करने का ऑप्शन भी काफ़ी बढ़िया दे रखा है। देखो ऐसे करो, बस ये गेट खुल जाता है, ज़्यादा कोई खींचातानी कुछ नहीं करना पड़ता, और ऐसे आप आराम से आ सकते हैं। नीचे आपको ये फुटरेस्ट दिया जाता है, इसमें आपको वही 12 inch के टायर प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर आप पेट्रोल भरवा सकते हैं अपना। पीछे की तरफ से बात करते हैं, आपका न्यू लुक पीछे की तरफ से प्रोवाइड होने वाला है, जिसमें कि आपका पीछे की तरफ बिल्कुल फिक्स आपको वो ग्लास देखने के लिए मिलने वाला है, और यहाँ से आपके पीछे का ओपन हो जाता है सिस्टम, और यहाँ पे आपको पीछे CNG सिलेंडर देखने के लिए जाता है, और एक गेट की तरह पूरा मैकेनिज्म दिया गया है, कार की तरह मैकेनिज्म दिया गया सॉरी। और नीचे पीछे आपके रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट, और साथ जो आपके नॉर्मल लाइट्स है वो वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की हाउसिंग देखने जाते हैं, और रिफ्लेक्टिंग टेप, पीछे की तरफ आपको पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। साइड की तरफ से बात करें तो यहाँ पर भी आपको स्लाइडिंग विंडो वगैरह देखने मिल जाते हैं, जो कि वेंटिलेशन में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और नीचे की तरफ भी आपको काफ़ी बढ़िया टायर इसमें प्रोवाइड करे गए हैं, JK के टायर आपको इसमें देखने मिल जाते हैं। इधर भी आपको सेम वही मैकेनिज्म के साथ देखने जाता है, लेकिन पर अभी ये लॉक है। इसी के साथ ये आपका हार्ड टॉप वाला वेरियंट, इसमें आपको सॉफ्ट टॉप वेरियंट भी देखने मिलता है। यहाँ पर आपको CNG की बैजिंग। तो आपको ये कैसी लगी, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको इसके वीडियो वगैरह कैसी लगी। साथ ही साथ इसकी आपको अगर और ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।